एक हम लोग ट्रेड लाइन ड्रॉ किए, इस ट्रेड लाइन को सिर्फ ड्रॉ करने से हम लोग ट्रेड का कंफर्म नहीं हो जाएंगे। हम लोग इसके बाद क्या देख रहे हैं, हम लोग ट्रेड में प्रोबेबिलिटीज ढूंढते हैं कितना परसेंट चांसेस हाई है और लो है। अब देखेंगे तो ये इसका रेसिस्टेंस है, रेंज बड़े से छोटा होता हुआ आया है यहाँ पे। एक रेंज बड़े से छोटा होता हुआ जब आता है तो इसका मतलब क्या, लार्ज हाई कन्फर्मेशन है, प्रोबेबिलिटी हाई है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जब रेंज बड़े से छोटा होता है तो आपका स्टॉप लॉस पॉइंट क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, ठीक है। अब ये जो लो है पूरा सपोर्ट का काम कर रहा है ना, ये लो क्या कर रहा है, एक सपोर्ट का काम कर रहा है। हम लोग का जब ब्रेकडाउन आया यहाँ पे तो ये लो इम्पोर्टेंट लेवल बनता है। इस लो के नीचे जब मार्केट जाता है तब हम लोग एंट्री लेते हैं ना, जब तक इस लो के नीचे नहीं जाते एंट्री नहीं लेते। इधर मार्केट नीचे आके देखे वापस ऊपर चला गया, वापस नीचे आके वापस ऊपर चला गया, तो अगर यहीं पे एंट्री ले लेते तो फंस जाते। तो ये जो लो है इस लो का टूटने का हम लोग क्या करते हैं, इंतजार करते हैं। तो ये एक सपोर्ट लेवल था ये इसका, जब ये टूटा तो सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम कर रहा। देखिए मार्केट नीचे करके ऊपर भी गया लेकिन इसके ऊपर नहीं जा पाया, वापस नीचे गिर गया। तो एंट्री यहाँ पे, स्टॉप लॉस यहाँ पे, या फिर यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं हाई पे स्टॉप लॉस को, ठीक है। अब मार्केट गिरना स्टार्ट किया तो कहाँ से कहाँ तक हम लोग टारगेट लेंगे, लाइन चार्ट में कर लेंगे। यहाँ से मार्केट जितना गिरा ब्रेकडाउन के बाद मार्केट उतना ही नीचे गिरेगा। क्या करेंगे हम लोग, इसको भी मेजर कर लेंगे इस लो से इधर तक, इधर से नहीं लिए इधर से लिए, थोड़ा कुछ पॉइंट अगर आगे पीछे होता है तो कम से कम कम वाला पकड़ेंगे, ज़्यादा वाला नहीं पकड़ेंगे। ये ना कि 5 पॉइंट ज़्यादा के चक्कर में इतना बड़ा टारगेट हाथ से निकल गया, क्लियर है। कितना पॉइंट से, 68 पॉइंट्स। जहाँ से ब्रेकडाउन आया है यहाँ से आया है ब्रेकडाउन, इस हाई से, यहाँ से हाई 68 पॉइंट्स हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मेजरमेंट ले लेंगे 68 पॉइंट्स, है ना 68 पॉइंट्स। नहीं नहीं, ये डायरेक्ट तोड़ा है ना, हम लोग का ब्रेकडाउन पॉइंट कहाँ से था, यहाँ से था, है ना, इस जगह से डायरेक्ट फॉल आया है। बता देते दोबारा, इस जगह से डायरेक्ट फॉल आया है और अपना 68 पॉइंट्स का टारगेट था, तो जब मार्केट यहाँ से गिरा तो यहाँ से रिवर्सल आया, तो अपना टारगेट अचीव हुआ। फिर उसके बाद रिवर्स हुआ, एंट्री कैसे बन जाते हैं, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बिल्ड करेंगे, लो पे अपना एंट्री पॉइंट पे एंट्री रखते हैं, हाई पे अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, टारगेट यहाँ तक का सेट कर लेते हैं, हो गया टारगेट अचीव। और ये जो सपोर्ट है, सपोर्ट पे प्रॉफिट बुकिंग आता है, फर्स्ट टारगेट हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे, इस जगह पे भी प्रॉफिट बुकिंग आएगा। तो देखिए यहाँ पे आया था प्रॉफिट बुकिंग सपोर्ट पे, फर्स्ट टारगेट, ये फाइनल टारगेट। क्लियर हुआ ट्रेड कैसे बना, कैसे हम लोग टारगेट मेजरमेंट लिए, ट्रेड लाइन का ब्रेकडाउन पे संसंग एंट्री नहीं लिए, कन्फर्म होने का वेट किए, जल्दीबाजी नहीं करना है, ट्रेड एक्टिव होने में टाइम लगता है, क्लियर।